गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट। एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते लेखपाल को पकड़ा व पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमीन की पैमाइश आख्या के लिए मांगी थी 5,000 की रिश्वत। गाजीपुर एंटी करप्शन की टीम ने शुक्रवार को ओरिहार बाजार में एक लेखपाल को 5,000 का रिश्वत लेते हुए रंग हाथ पकड़ा। सैदपुर कोतवाली में लिखा पढ़ी के बाद आरोपी लेखपाल को टीम अपने साथ ले गई। मालूम हो कि खानपुर थाना क्षेत्र के गौरी गांव निवासी मूलचंद यादव ने एक सप्ताह पूर्व भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी की टीम से क्षेत्रीय लेखपाल की शिकायत किया था। कहा था कि लेखपाल द्वारा जमीन की पैमाइश आख्या लेने के नाम पर 5,000 की रिश्वत मांगी जा रही है। इस पर टीम शुक्रवार को ओरिहार बाजार में पहुंची। बाजार के मेन रोड पर जैसे ही पीड़ित ने रंग लगा रिश्वत का पैसा लेखपाल के हाथ में दिया, टीम ने उसे दबोच लिया। टीम ने लेखपाल का धुलवाया तो रंग छूटने लगा। 5,500 के 10 नोट को टीम ने कब्जे में ले लिया। टीम आरोपी लेखपाल जौनपुर जिला के जलालपुर थाना के छितना निवासी प्रमोद कुमार चौधरी को सैदपुर कोतवाली लाई। लेखा पढ़ी के बाद आरोपी लेखपाल को अपने साथ लेकर चली गई। टीम में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार दीक्षित, निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल सुनील सिंह, सुनील यादव, मुरारी लाल प्रथम, सुनील कुमार भारती मुख्य, आरक्षी चालक अश्विनी कुमार पांडेय शामिल रहे। कार्रवाई की जा रही है। ये शिकायतकर्ता मूलचंद यादव, सनाफ खरवान यादव, ग्राम गौरी थाना खानपुर से गाजीपुर के रहने वाले हैं। 4/19 को इन्होंने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया था। उनकी पत्नी फूला देवी के नाम से जमीन थी जिसकी पैमाइश करने के लिए, और उस पर जो है प्रभारी तहसील दिवस प्रभारी तहसील दिवस के जो प्रभारी थे उनके द्वारा जो है निस्तारण करने के लिए राजस्व निरीक्षक आदि लेखपाल को दिया गया। तो उनके द्वारा लेखपाल के द्वारा जो है 5,000 रुपया 10,000 रुपया जो है मांग की गई थी नापी करने के लिए, जिसमें तय हुआ था कि 5,000 रुपया नापी करने से पूर्व और 5,000 रुपया नापी होने के बाद दिया जाए। इन्होंने जो है 6 तारीख को भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी इकाई में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर आज वाराणसी एंटी करप्शन की टीम जो है लोक साक्षियों के समक्ष जो है 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए ओरिहार गाजीपुर नेशनल हाईवे पर अवधेश यादव की दुकान के सामने रंगे हाथ गिरफ्तार की है। थाना सैदपुर कोतवाली गाजीपुर में विधिक कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।